हाय दोस्तों, आज जो हमारा ये बैच है ये 2 बजे वाला बैच है। इस बैच में कम स्टूडेंट है। कम स्टूडेंट होने का एक भी फायदा है, जिसमें क्या होता है, सारे स्टूडेंट बैठ के प्रॉपर अपने तरीके से इनको मदरबोर्ड दिया जाता है और सारी चीज़ इनको जो भी पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर उसमें सारा बोर्ड के ऊपर चेक करना होता है। जैसे आज हमारा है फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन हमारा जो बैच रहता है केवल जो हम पढ़ाते हैं उसका आज उनको पूरा टेस्टिंग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है आज ये क्या कर रहे हैं, आप आयोग के रिक्वायरमेंट में, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आयोग के रिक्वायरमेंट। तो जैसे सर ने इनको आयोग की रिक्वायरमेंट पढ़ाई थी तो इनको आज आयोग की रिक्वायरमेंट सारा फुलफिल कर रहे हैं। ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑन होने से पहले क्या रिक्वायरमेंट है, ऑफ ऑन करने के बाद की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सारी रिक्वायरमेंट को आज ये चेक कर रहे हैं। आप बताइए आप क्या चेक कर रहे हैं, आयोग की रिक्वायरमेंट। आयोग की रिक्वायरमेंट में आपने क्या क्या चेक किया है, आयोग रिक्वायरमेंट में हमने SLPS 3 SLPS 5 स्टार्टिंग कहाँ से किया था आपने, स्टार्टिंग ईसी रीसेट, एडाप्टर आईडी, एडाप्टर आई, ठीक है, एसी ओके, डब्ल्यू रीसेट, RSM RST और पावर बटन और ऑन ऑफ सारा चेक किया। अब क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, अब अभी भी आयोग रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार RTC को चेक कर RTC सारा सेक्शन चेक कर रहा हूं, उसके बाद प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, RTC सेक्शन अगर कंप्लीट होगा तो आप आयो को प्रोग्राम करके देखेंगे। तो अगर आयो प्रोग्राम करने से अगर बोर्ड ऑन हो गया तो मतलब जो हमारा आयो प्रोग्राम में बने थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था, आयो के बारिश में दिक्कत था, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बैच चल रहा है, अभी ये अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये जो बैच है 2 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे दोपहर को स्टार्ट होता है, और 2 बजे दोपहर में स्टार्ट होने की वजह से कम स्टूडेंट इसमें आते हैं, है ना, तो इस वजह से बैच छोटा बनता है। टोटल जो ये बैच है 7 स्टूडेंट्स का है, तो जिसमें से 5 स्टूडेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये वीडियो बनाने तक 1 स्टूडेंट जा चुका है और 1 स्टूडेंट आज आया नहीं, तो टोटल अभी 5 स्टूडेंट्स हैं। तो छोटे बैच का एक बेनिफिट्स भी है और टाइमिंग का भी बेनिफिट्स है। जो 2 बजे का हमारा बैच होता है उसका अपना एक बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ये है कि हर किसी को अलग अलग सेटअप मिल जाता है काम करने के लिए, क्योंकि जो मॉर्निंग का बैच होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रस होता है ना, और जो मॉर्निंग के बैच वाले होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, जॉब करने वाले होते हैं तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मॉर्निंग के बैच में कोई प्रैक्टिस नहीं करता ज़्यादा, है ना, अपना क्लास लेते हैं चले जाते हैं। प्रैक्टिस नहीं करने का कारण कि हर किसी के पास अपना कुछ ना कुछ रोज़गार होता ही है ना, पहले से काम कर रहे होते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, जो फ्रेशर्स हैं फिर वो आके प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन 2 बजे वाले के बैच में देखो कि 2 बजे का बैच ज्वाइन करने का मतलब ही हुआ कि कहीं काम पे जाना नहीं, तो पूरा टाइम मिल जाता है इनको प्रैक्टिस करने का। तो 2 घंटे की तो क्लास होती है हमारी, प्लस हम 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी अलाउड करते हैं, मतलब 2 बजे से 4 बजे तक का क्लास है और 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का इनका प्रैक्टिस का टाइम है ना। तो ये टाइमिंग जो है मंडे टू थर्सडे तो रहता है, फ्राइडे को हम क्या करते हैं इनको कोई क्लास नहीं करवाते हैं, फ्राइडे को हमने इनको दे रखा है कि आपने जो 1 हफ्ते में सीखा, आपने जो 2 घंटे पहले प्रैक्टिस किया था, बाकी के 4 दिन वो तो अलग है, उसके अलावा आप जो भी टाइम ले सकते हो यहाँ पर 3 घंटे 4 घंटे, है ना, पूरा टाइम लेकर के जो 1 हफ्ते में सीखा उन सबको आप प्रैक्टिकली चेक करोगे, है ना। तो जैसे कि आप इनको देख रहे हैं बिल्कुल प्योर फ्रेशर है ये पर्सन, बिल्कुल प्योर फ्रेशर है, लेकिन अभी इनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, बोर्ड को चेक करने में डरे नहीं, इसीलिए हम इनको बोर्ड दे रहे हैं कि भाई बोर्ड दिया जो मर्जी जैसे मर्जी चेक करो, है ना, बोर्ड ख़राब होगा तो हमारा रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने टेस्टिंग करो, है ना। तो इस हिसाब से जो अभी इनका बैच चल रहा है वो चल रहा है आयोग के रिक्वायरमेंट पे। आयोग के रिक्वायरमेंट का जो हमारा चैप्टर आता है वो आप कह सकते हो लेवल 4 का चैप्टर है। लेवल 4 चैप्टर का मतलब ये हो जाता है कि हम स्टार्टिंग करते हैं बोर्ड ऑन नहीं होने के प्रॉब्लम से, कि अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो आप क्या क्या करोगे। तो जैसे विन हम चेक करते हैं, स्टेप डाउन चेक करते हैं, RTC चेक करते हैं, ये तीनों ओके रहता है, 1.8 वोल्ट ऑलवेज, 1 वोल्ट ऑलवेज 678 जनरेशन के बोर्ड में, तो देन हम कहते हैं कि अब आ जाओ आप आयोग की रिक्वायरमेंट्स पे। तो हमने आयोग की रिक्वायरमेंट्स बता दी है, आयोग को कैसे प्रोग्राम करना है वो बता दिया है ना। अब इनको हमने बोर्ड दे रखा है,
ये इस तरह के बोर्ड हैं कि हमने भी इन बोर्ड पे नहीं चेक किया कि क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है, बोर्ड है हमारे पास काफ़ी। तो अब इनको दे रखा है कि आप स्वतंत्र होकर के बेहिचक जो सीखा वो आप इस पे चेक करिए, तो वही ये चेक कर रहे हैं, है ना। सभी स्टूडेंट्स का लेवल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन अपने हिसाब से सबको हम सेम प्रायोरिटी देते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से चेक करिए। तो आज के क्लास में ये आयो के रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रहे हैं, मतलब पावर बटन प्रेस करने से पहले आयो पे क्या क्या होना चाहिए, अगर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है तो हम आयो पे क्या क्या चेक करेंगे। तो पावर बटन प्रेस करने से पहले क्या क्या होना चाहिए, पावर बटन प्रेस करने के बाद आयो पीसीएच को क्या जनरेट करेगा, पावर बटन प्रेस करने के बाद पीसीएच से आयो को क्या आएगा, और फिर आयो फाइनली बाकी के पावर सर्किट्स को क्या देगा। तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स इनको बता दी गई है। ऑलरेडी 3 दिन लिया गया इस क्लास में आयो की रिक्वायरमेंट्स में, आज 4th क्लास है इनकी जो कि फुल्ली प्रैक्टिकल है, इनको खुद ही करना है, है ना। जहाँ इनको डाउट लगता है वहाँ पर ये पूछ सकते हैं। बाद में कि हमने इस तरह से समझा दिया है, इनको बता दिया सारे पॉइंट्स कि आपको कोई भी बोर्ड मिलता है अगर आपको पता है कि आपको क्या चेक करना है तो आप डायग्राम जाइए, आप देख लीजिए डायग्राम में आयो चिप के किस पिन पर क्या आ रहा है, आपको क्या चेक करना है वो पता होना चाहिए। जैसे कि इसी रीसेट आयो की रिक्वायरमेंट में इसी रीसेट चेक करना है, तो अब इसी रीसेट किस पिन पे बनेगा ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में आप देख लो कि किस पिन पे इसी रीसेट आ रहा है और आप चेक करो, है ना। उसी तरह PMSLP S3 S4 कहाँ चेक करना है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आयो के किस पिन पे चेक करना है आप डायग्राम ओपन करिए और देख लीजिए। तो उसी तरह के बोर्ड दिए गए हैं जिनके डायग्राम्स हैं और इस हिसाब से ये अपना टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यही आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना था।